ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। तो गोपुरम स्थापत हमने पढ़ा, उसके बाद ये कुछ विकल्प आपके आते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बाद आपको मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर में टिप्पणी पूछा जाएगा। ये आपका एक नंबर का विकल्प हुआ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्वरूप या किस आकार का है, रथ मंदिर आकार का है। थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है। नटराज की काश्य प्रतिमा, काश्य मतलब कासा, नटराज की काश्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है, वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है। खजुराहो मध्ययुग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये जितने भी मैंने पैराग्राफ में आपको निशान लगाया या लाइन बताया, वो सभी आपको विकल्प में देखा जाएगा, विकल्प में पूछा जाएगा, विकल्प अथवा खाली जगह के रूप में प्रश्न बनाए जाएंगे। या आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देख सकते हो, यहाँ आपको पहिए दिखाई दे रहे हैं, ये रथ मंदिर के आकार का, घोड़े भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन चित्र में वो छवि दिखाई नहीं दे रही है। अगला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। जैन मंदिर, जैन मंदिरों को कहते हैं देरासर। राजग्रह में वैभार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदरगिरी, श्रमणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर है। समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है, उसे मधुबन कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया था, निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्व नाथ जी के मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर संकेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में दैलवाड़ा और रणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य, नक्काशी काम, कला कारीगरी, शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत है। आबू के दैलवाड़ा मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने विमलव सही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवणव सही नाम से बनवाया था, वह अपनी बेजोड़ कारीगरी, बेजोड़ मतलब जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और अस्मरणीय भेंट है। तो यह आपने जैन मंदिर का परिचय लिया, जिसमें 2 भाग बनते हैं। ये ऊपर जो देख रहे हैं पूरा विकल्प में पूछा जाएगा, और यहाँ जो आप देख रहे हैं राजस्थान में माउंट आबू में दैलवाड़ा, तो यहां से लेकर ये पूरा पैराग्राफ आपको दैलवाड़ा का जैन मंदिर के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप चित्र देख रहे हो, आकृति पालीताना जहां भावनगर में आया हुआ, यहां पर आपको जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके विकल्प के प्रश्न है। जैन मंदिर का देरसरा, जैसे पहला प्रश्न मिल रहा है, राजग्रह में कितने जैन मंदिर है, वैभार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदरगिरी, श्रमणगिरी, ऐसे 5 जैन मंदिर हैं। और अगला प्रश्न है कि दैलवाड़ा का मंदिर कहाँ आया हुआ है, राजस्थान में किस पर्वत पे, माउंट आबू पर। ऐसे छोटे छोटे आपको विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। आबू का दैलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से मंत्री ने बनवाया था, तो एक मंत्री का नाम था विमल शाह, क्या नाम से बनवाया, विमलव सही। दूसरे मंत्री का नाम था वस्तुपाल, जिन्होंने नाम रखवाया लुबणव सही। तो इस प्रकार से अलग अलग विकल्प के प्रश्न आपके तैयार होते हैं। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, यह आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ोगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। गुजरात के मोढ़ेरा महसाणा में स्थित सूर्य मंदिर, यहाँ पाटन लिखा तो महसाणा आप कर लीजिएगा, गुजरात के मोढ़ेरा महसाणा में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासन काल में बना था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में
सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। मैंने आपको पहले का बिल्कुल आसान टॉपिक है, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ आया हुआ है, गुजरात के मोढ़ेरा महसाणा में स्थित है। यह सूर्य मंदिर कब बनाया गया, ईस्वी सन 1026 में। किसके समय में, सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के समय में बनाया गया। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में, पूर्व दिशा में, और इसे इस तरह से बनाया गया है, सूर्य की प्रथम किरण प्रथम रश्मि मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में रखा हुआ सूर्य के प्रतिमा के मुकुट पर लगी मणि पर पड़ती है और पूरा का पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो जाता है। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर हैं। यहाँ ऊषा, ऊषा मतलब सुबह में सूर्योदय में, और संध्या काल अर्थात शाम को प्रदीप्त दीप मालाओं के कारण एक नयन रमणीय दृश्य उपस्थित होता है। तो यहाँ आपने देखा कि आज भी मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर में कुल कितने सूर्य की मूर्तियां हैं, 12, और इन मंदिरों की नक्काशी किस शैली में की हुई है, ईरानी शैली में की हुई है। मंदिर के बाहर जल कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल कितने मंदिर है, 108 मंदिर है, जिसमें ऊषा और संध्या काल के समय दीप मालाएं प्रकट की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा जैन मंदिर देरासर के बारे में, राजस्थान के माउंट आबू में दैलवाड़ा का जैन मंदिर और मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर। मध्यकालीन स्थापत्य, मध्यकाल में मुस्लिम इस्लाम धर्म का आगमन हो चुका था, इसलिए इस समय मस्जिद का निर्माण अधिक से अधिक देखने को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद जिसका नाम था ढाई दिन का झोपड़ा, ये एक प्रकार का मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। इसे ढाई दिन में तैयार किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ढाई दिन का झोपड़ा। ये विकल्प में आएगा कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। दूसरा बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तातीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं तुर्की सुल्तान ने मस्जिद बनाया बच्चों, जिसके दीवारों और छत पर कमल के साथ कई भारतीय आकृति देखने को मिलती है। चौथा मालवा, सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली, मांडू मतलब गोलाकार में, होशंगशाह, ये विकल्प में खास याद रखेंगे, होशंगशाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। पांचवा अन्य प्रांत, कश्मीर बहमनी सुल्तानों ने बिडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी, हजारा राम मंदिर, गोपुरम कलात्मक नक्काशी कला स्तंभ प्रसिद्ध है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए वो सब आपको विकल्प में पूछे जाएंगे। मध्यकालीन स्थापत्य बंगाल के पंडुआ स्थान पर कौन सा मस्जिद है, अदीना मस्जिद है, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है और तातीपाड़ा का मस्जिद का निर्माण हुआ। जौनपुर की तुर्क सुल्तानों ने कौन सा मस्जिद बनवाया, अटाला मस्जिद बनवाया, जिसमें दीवारों और छत पर कमल के सहित अलग अलग भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया। होशंगशाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर का है और कौन सी शैली में निर्मित है, भारतीय शैली में निर्मित है। ऐसे कई विकल्प आपके तैयार होते हैं, जैसे बिडर गुलबर्गा की इमारत कहाँ हुई है, कश्मीर में, किसने बनाया, बहमनी सुल्तान ने, गोल गुंबद कहाँ स्थित है, बीजापुर में। तो इस तरह से अलग अलग विकल्प आपको पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं गुजरात की स्थापत्य कला। ये चित्र आप देख रहे हो, ये वड़नगर का कृति तोरण है। गुजरात के कई स्थापत्य कला जिसमें हम मंदिर मस्जिद जैन देरासर और गुजरात के बावड़ी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले गुजरात स्थापत्य कला में मंदिर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मंदिर भद्रकाली मंदिर, सभी लोग परिचित हो, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद में, रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर, सूर्य मंदिर मुढेरा, हाटकेश्वर महादेव वड़नगर, अंबाजी मंदिर, सामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर द्वारका, बहुचराजी मंदिर, महाकाली मंदिर पावागढ़, स्वामी नारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर खेड़ ब्रह्मा, खोड़ियार माता जी मंदिर भावनगर, आशापुरा माता का मठ कच्छ आदि मंदिरों का समावेश होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपसे निवेदन है, जिस मंदिर के पीछे या विकल्प में स्थान का नाम दिया उसे आप खास याद रखेंगे, जो विकल्प और एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। दूसरा, गुजरात के स्थापत्य कला में मस्जिद, अहमदाबाद में तीन दरवाजा के पास जामा मस्जिद है। इन मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था ईस्वी सन 1424 में। इसमें कुल 260 स्तंभ है, स्तंभ यानी पिलर, 15 गुंबद की रचना की गई, गुंबद अर्थात गोलाकार में छत, ठीक है, जहां पर चिल्लाने पर आवाज प्रतिबिंबित होकर वापस सुनाई देती है। बारीक नक्काशी वाली सीधी सैयद की जाली, जो आप सब लोग इस जाली से परिचित हो, मस्जिद, सरखेज का रोजा, झूलता मीनार अहमदाबाद, रानी सिपरी की मस्जिद जो मस्जिद नगीना के रूप में पहचानी जाती है, इसके अलावा जामी मस्जिद चापानेर और गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिद है। तीसरा, जैन देरासर जिसे जैन मंदिर कहते हैं, हठी सी का जैन देरासर, कुंभारिया जी, त्रंजयगिरी, पालीताना आदि सी की दृष्टि से प्रशंसनीय है। चौथा, गुजरात की बावड़ी, अड़ालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, राण की बावड़ी पाटन में स्थित है, हीरा बगोल डबो, ये दोनों आपको खास याद रखना है। अड़ालज की बावड़ी तो प्रसिद्ध है ही है, गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर के पास है। राण की बावड़ी पाटन, हीरा बगोल डबोई, इसके अलावा भद्रका किला, नगीनावाड़ी, काकरिया तालाब अहमदाबाद, रुद्र महल सिद्धपुर, ये पार्ट एक में भी आ चुका है, सहत लिंग तालाब पाटन, सामला सा की चौरी, ताना रीरी समाधि, कृति तोरण वड़नगर, मुनसर तालाब वीरमगाम, मलाव तालाब धोलका आदि स्थापत कला के उत्तम उदाहरण है। ये सभी बच्चों आपको खास करके विशेष करके विकल्प में सही जोड़े में पूछा जाएगा। अगर पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आ जाए गुजरात के स्थापत कला, तो मंदिर, मस्जिद, जैन देरासर, गुजरात की बावड़ी, ये 4 चीजें आपको समझाना है। विकल्प याद रखेंगे तो भी पूरा पैराग्राफ का काम हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ याद रखेंगे तो भी विकल्प का काम हो जाएगा। अब मैं आपको मस्जिद स्थापत का रेखा चित्र बताऊंगा और उसके अलग अलग भाग बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं मस्जिद स्थापत का रेखा चित्र। सहन की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, लिवान, मेहराब, मकसुआ, कीबला, गलियारा, ये जो आप भाग देख रहे, जो मैं गुंबद की बात कर रहा था, इस तरह के गुंबद बनाए जाते हैं। ये जो मस्जिद पे गुंबद बनाने की परंपरा शुरू हुई मंदिरों को देखकर, इस गुंबद में चिल्लाने पर आवाज प्रतिबिंबित होकर हमें दोबारा सुनाई देती है। ये जो आप देख रहे हो हॉल, जहां पर सारे मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग, अमीर गरीब सब यहाँ हाथ पैर अपने मुंह धोने के बाद ही नमाज पढ़ने जाते हैं, और नमाज हमेशा पश्चिम दिशा में की जाती है। गलियारा, मस्जिद में आने जाने का रास्ता। कीबला, मस्जिद या नमाज हॉल की दीवार, जो सदैव मक्का के काबा की दिशा में ही बनाया जाता है, और मक्का काबा सऊदी अरब में आया हुआ है पश्चिम की दिशा में। लिवान, मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को लिवान कहते हैं। मकसूरा, मस्जिद के कीबले की दीवार के अंतिम हिस्से को मकसूरा कहते हैं। मेहराब, कीबला दीवार में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशता एक समान मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है, और ये मक्का की ओर की सही दिशा बताता है। आप यहाँ देख सकते हैं कोष्टक में लिखा है मेहराब पश्चिम दिशा में होता है, जो मैंने आपको पहले बताया मक्का काबा पश्चिम दिशा की ओर है। सहन, मस्जिद का प्रांगण, परागण अर्थात आंगन, मस्जिद का आंगन जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी मानने वाले नमाज के लिए एकत्र होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया पीले रंग में सारे आपको पॉइंट बताए, गलियारा, मकसूरा, लिबान, मेहराब, सहन, ये सभी आपको सही जोड़े में विकल्प में किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
तो विद्यार्थी मित्रों आपसे यही नम्र निवेदन है कि जो भी विषय का वीडियो आपके पास पहुंच रहा है या जिस विषय की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत और लगन के साथ करें ताकि आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करें ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और साथ में अपने विषय शिक्षक का भी नाम बढ़ा सके। धन्यवाद।